प्रत्याशी ने जो बातचीत रखी है, क्या सुझाव रखे हैं, वो आपको हमने बता दिया है। किस तरीके से प्रत्याशी ने अपनी जीत की दावेदारी साफ जाहिर कर दी है। लेकिन जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, उस विधानसभा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष साहब, क्या लगता है कि इस बार चुनाव जो है विधानसभा मुरादनगर को लेके, क्या लगता है क्या जीत का श्रेय कितना रहेगा? मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि हम राम के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इन्होंने अभी एक बात कही है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे। अरे भगवान राम भी ऐसी चीज़ है जिन्हें आप लेके आओगे? भगवान राम आपको लेके आए हैं, आप अहंकार कर रहे हो। उस अहंकार को छोड़ दीजिए, और लोगों ने बताना शुरू कर दिया फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कि भगवान राम आपको लेके आए थे, और भगवान राम की कृपा अब आप पे से हट गई है, आप जाओगे। अब अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, जो लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे, जो मजदूर कुचले लोग हैं उनका सम्मान बचाना काम करेंगे, और ये जो महिलाओं की साड़ी खींचने का काम करते थे, महिलाओं का चीरहरण करने का काम करते थे, अब वो सरकार जाने का काम करेगी। जो सरकार महिलाओं को काम देने का काम करेगी, रोजगारों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी, जो नौजवान हैं उन्हें बसाने का काम करेगी, शिक्षा देने का काम करेगी, लैपटॉप देने का काम करेगी। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पेंशन की आवश्यकता रहती थी, लेकिन हम पेंशन नहीं दे पाए क्योंकि इन्होंने समाजवादी पेंशन बंद कर दी। क्यों? समाजवादी पेंशन से ऐसी क्या दिक्कत थी? कितने सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो कमजोर स्थिति में रहते हैं, जिन्हें 500 रुपये भी नहीं मिल पाते, तो ऐसे भाइयों को जो पेंशन देने का काम करेगी ऐसी सरकार प्रदेश की जनता लेके आने का काम। श्रम कार्ड को लेके बहुत बड़ा हुआ बना है, या फिर जो भी चीज़ आप देख सकते हैं, बार बार जन सुविधा केंद्र पे आप देखेंगे भीड़ तमाम लगी रहती है, उस चीज़ बारे में भी तो कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सरकार कहीं ना कहीं पैसे दे रही है। क्या आप इस बात को नहीं मानते कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इस श्रम कार्ड के माध्यम से? इन्होंने लोगों की वोट खरीदने का काम किया है, लोगों की वोट खरीदने का काम नहीं कर रहे, 3,000-3,000 रुपये दे रहे हैं। आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले इन्होंने लोगों के खाते में 3,000-3,000 रुपये देने का काम कराया, तो इससे तो सरकारी पैसे से वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। और मैं तो, मुझे बड़ा दुख होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम करा था, और जो कह रहे थे कि हाँ ऐसा निष्पक्ष हमारा संविधान बना है, और इसमें जो हमारा चुनाव आयोग खामोश बैठा, चुनाव आयोग को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, और जो 3,000-3,000 रुपये दिए जा रहे हैं वो गलत है, और जो गरीब लोग हैं उन्हें 3,000 रुपये दिए देना तुरंत बंद कर। मुरादनगर विधानसभा सबसे बड़ा हॉट टॉपिक शमशान घाट को लेकर, क्योंकि आप लगातार वहाँ रहे थे, जिस वक्त वो हादसा था आप भी वहाँ मौजूद थे, उनको न्याय दिलाने में आपने पूरी तरीके से लड़ाई लड़ी है। बाकी आप तूतू में भी गहमा गहमी भी हमारी मीडिया ने देखा है, क्योंकि विधायक जो थे उस वक्त बहुत ज़्यादा मौजूद थे और उन्होंने काफ़ी आपसे गहमा गहमी की बात भी रखी थी, उसको देख के क्या रखते हैं? क्योंकि विधायक साहब तो दोबारा आ रहे हैं, दोबारा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या चीज़ है? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी नहीं थी जो शमशान घाट में लोग जो है समाप्त हुए थे, जिनका जीवन लीला समाप्त हो गई? स्थानीय विधायक की जिम्मेवारी थी कि उन लोगों को जो है न्याय दिलाने का काम करते। आज वो महिलाएं पिछले कई महीने से जो है बैठी हैं नगर पालिका में धरना दे रही हैं, और जो स्थानीय नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेवारी होती है कि जो वास्तव में पीड़ित है उसकी मदद की जाए, लेकिन उन पीड़ित महिलाओं के बीच में कोई भी मेरा भाई आज तक ये पूछने के नहीं ले गया है कि आपको समस्या क्या है। और उस टाइम रोड पे खड़ा होकर जो लोग उनकी आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे, उन्हें दबाने का काम कर रहे थे, उन्हें धमकाने का काम करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है कि लोगों को दबाओगे, बदमाशी दिखाओगे? मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण तबका उधर बहुत है, सारी चीज़ जो है जाट बहुमल भी है, सारी चीज़ देखने में, क्या लगता है कि गठबंधन का कैंडिडेट सफल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? जनता मन बना चुकी है, जितने इन्होंने बीजेपी की सरकार में रहते हुए बीजेपी के नेताओं ने 2014 से लेके और लगातार 2021 आ गया, केंद्र सरकार से लेके प्रदेश सरकार तक के, जब प्रधानमंत्री से लेकर झूठ बोलना शुरू किया तो नीचे तक के विधायकों तक और जनप्रतिनिधियों ने भी उन्हीं की नीति पर चलते हुए आम जनता को बहलाना और फुसलाने का काम किया। इस बेर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, अन्य जाति का कोई भी लोग हो, उनने मन बना चुका है और वो गठबंधन को वोट देने जा रहा है और उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो पिछले 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश का बहुमुखी विकास करने का काम किया, उनकी तरफ जनता उनके विकास कार्य को याद कर रही है, और 2022 में आप देखना माननीय अखिलेश यादव जी फुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो बाकी सारी चीज आपको सामने दिख रही है, क्योंकि गठबंधन को लेके इस वक्त रालोद और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ हैं और अपने प्रत्याशी को जिताने में पूरी जी जान से लगे हुए हैं, बाकी कार्रवाई 10 मार्च तक सामने आ पाएगी। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलक, प्राइम मीडिया न्यूज, गाजीपुर।